नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। देश में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में अब कमी देखी जा रही है। लगातार आंकड़ों में गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में रविवार को 1,53,347 लोगों के संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 2,37,568 लोग ठीक हुए। इस दौरान 3,129 लोगों की मौत हो गई। एक दिन में जान गंवाने वालों का ये आंकड़ा पिछले 34 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 27 अप्रैल को 3,286 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई थी। ये रिपोर्ट देखिए। लेकर आ रहा हूँ देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कोहराम अब कम होता नजर आ रहा है, लेकिन कोविड से होने वाली मौतों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना की वजह से अब तक 3,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं महामारी के साथ ब्लैक फंगस का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 1.52 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 3,128 के करीब मौतें हो चुकी हैं। 34 दिनों के बाद दैनिक मौतों का आंकड़ा 3,500 से नीचे रहा। दूसरी लहर अब पूर्वोत्तर और लद्दाख के हिस्सों को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में घट रही है। बीते सप्ताह में कुल मामलों की संख्या में अभी तक की सबसे व्यापक गिरावट देखी गई है। इससे पहले आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम में संक्रमण के मामलों में कमी आई थी। कोरोना के कम होते मामलों के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी पर सिलसिलेवार तरीके से हमला बोल रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर ट्वीट के माध्यम से पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन का आर्थिक प्रभाव ये पड़ा कि मई 2021 में बेरोजगारी दर डबल डिजिट में हो गई। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि एक आदमी और उसके अहंकार प्लस एक वायरस और उसके म्यूटेंट्स की वजह से ऐसा हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर 91.60% हो गई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 9.04% और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 9.07% है, जो लगातार 7 दिनों से 10% से कम है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में कोरोना से लोगों को राहत कितनी मिलती है। आपको डेस्क प्राइम टीवी। कोरोना काल में पंचायत ड्यूटी के दौरान मृत शिक्षकों की संख्या को लेकर प्रदेश की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। वहीं अब योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला किया है और मृत शिक्षकों के आश्रितों को राहत देने की कोशिश की है। योगी आदित्यनाथ ने चुनाव तिथि से 30 दिन तक मृत शिक्षकों के आश्रितों को 30,00,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। संक्रमण काल के दौरान पंचायत चुनाव में मृत सभी शिक्षक तथा सरकारी कर्मियों के आश्रितों के हित में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया। लंबे समय से चल रहे विवाद का सोमवार को सरकार ने पटाक्षेप कर दिया। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पंचायत चुनाव के दौरान मृत शिक्षक तथा अन्य सरकारी कर्मी के परिजनों को 30-30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। सरकार ने लंबे अध्ययन तथा विचार विमर्श के बाद तय किया है कि चुनाव की तिथि से 30 दिन के अंदर किसी भी कारण से मृत शिक्षकों तथा सरकारी कर्मियों के परिवार वालों को प्रदेश सरकार आर्थिक सहायता के रूप में 30-30 लाख रुपए की धनराशि देगी। कोरोना संक्रमण काल में पंचायत चुनाव में ड्यूटी या फिर चुनाव की तारीख के 30 दिन बाद मृत शिक्षक व अन्य सरकारी कर्मियों के परिवार को सरकार जरा भी निराश नहीं करेगी। अब सभी का ब्यौरा लेकर उनको सहायता राशि देने की प्रक्रिया पर काम किया जाएगा, जिससे कि कम समय में ही उन सभी को सहायता मिल सके। प्रदेश में पंचायत चुनाव में ड्यूटी के तिथि से 30 दिन के भीतर जान गंवाने वाले शिक्षकों तथा अन्य कर्मियों के परिवार के लोगों को सरकार की तरफ से जरा भी निराशा नहीं होगी। सरकार किसी भी कर्मी जिसका निधन कोरोना वायरस संक्रमण से हुआ हो या फिर
पोस्ट कोविड के कारण उसकी मौत हुई हो के परिवार के साथ है। उसके परिवार को आर्थिक मदद का आधार कर्मी की कोविड-19 की किसी भी तरह की पॉजिटिव रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट, सिटी स्कैन आदि माना जाएगा। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी यदि 30 दिन में किसी का निधन होता है तो उसे भी कोविड से मृत्यु मानते हुए अनुग्रह राशि दी जाएगी। संबंधित प्रस्ताव को आज की कैबिनेट बैठक में ही मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। कोरोना महामारी के चलते छात्रों की पढ़ाई रुकी हुई है और इसी के चलते हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा भी नहीं हो पा रही। वहीं पर अब योगी सरकार ने छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला किया है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की घोषणा में उन्होंने कहा है कि अब हाई स्कूल के छात्र बिना परीक्षा दिए ही 11वीं में प्रमोट कर दिए जाएंगे। वहीं जो छात्र फेल थे उन्हें भी प्रमोट किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। महामारी कोरोना वायरस को देखते हुए 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। इस साल 10वीं कक्षा के छात्रों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। इस फैसले के बाद करीब 30 लाख छात्र छात्राओं को 11वीं में प्रमोट कर दिया जाएगा। इसका फायदा उन छात्रों को भी मिलेगा जो पिछले साल हाई स्कूल की परीक्षा में फेल हो गए थे। साल 2020 में 4,62,000 छात्र अनुत्तीर्ण थे। इनमें से अधिकांश ने इस साल की परीक्षा के लिए आवेदन दिया था। बता दें कि पिछले साल 27,72,656 परीक्षार्थी 10वीं की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। इसमें से 23,09,802 पास हुए। कुल 4,62,854 परीक्षार्थी उत्तीर्ण नहीं हो सके, जबकि हाई स्कूल परीक्षा के लिए पंजीकृत 30,24,480 छात्र छात्राओं में से 2,51,824 ने परीक्षा छोड़ दी थी। वहीं परीक्षा नहीं होने के कारण ऐसे परीक्षार्थी भी पास हो जाएंगे। वहीं बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी करते हुए कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं की कक्षोन्नति के संबंधित रिपोर्ट तलब की है। गौरतलब है कि सरकार ने प्रदेश में परिस्थितियां अनुकूल होने पर जुलाई के दूसरे सप्ताह से इंटरमीडिएट की परीक्षा को कराने की योजना बनाई है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि सरकार ने मंथन के बाद 2021 की हाई स्कूल परीक्षा को निरस्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2021 की कक्षा 10 की परीक्षा को निरस्त करने के साथ ही सरकार ने कक्षा 12 की परीक्षा को कराने की योजना बना ली है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 2021 की कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से 29,94,312 बच्चों को बड़े संकट में फंसने से मुक्ति मिलेगी। कक्षा 10 के बच्चों को कक्षा 11 में प्रोन्नति के विस्तृत दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद को दिया गया है। बता दें कि सरकार ने इसके साथ ही समस्त बोर्ड के सभी स्कूलों की कक्षा 6, 7, 8, 9 व 11 के छात्रों को भी प्रोन्नत करने का निर्णय लिया है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत देने का निर्णय शासनादेश पूर्व में ही जारी कर दिया था। अब यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी बोर्ड विशेष का अन्यथा आदेश न हो तो प्रदेश के समस्त बोर्ड के समस्त विद्यालयों की कक्षा 6, 7, 8 के छात्रों को अगली कक्षा में सामान्य प्रोन्नति दी जाए। कक्षा 9 व कक्षा 11 के छात्रों को उनकी वार्षिक परीक्षा के परीक्षा फल के आधार पर अगली कक्षा में प्रोन्नति दी जाए। यदि किसी विद्यालय में वार्षिक परीक्षा अभी तक संपादित नहीं हो पाई है तो वह छात्र के वर्ष भर के किए गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा में प्रोन्नति देंगे। यदि बोर्ड विशेष का कोई इस संबंध में आदेश होगा तो वह लागू होगा, अन्यथा कक्षा 6, 7, 8, 9 व 11 के उक्त प्रदेश के समस्त बोर्ड के समस्त विद्यालयों पर यह लागू होगी। इन सभी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक को इसके नियमित अनुश्रवण व अनुपालन का दायित्व सौंपा जाएगा। टेस्ट रिपोर्ट, प्राइम टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।